बंगाल का रेसिपी है। ये बहुत सिंपल है, मतलब इसमें एक बारी जब इसको रोस्ट करूंगी तभी गैस का जरूरत होगा। इसको गैस में ही जलाइए, मतलब रोस्ट करिए, नहीं तो इसका जो एक स्मोकी फ्लेवर है वो नहीं आएगा। आप चाहे तो इसको तंदूर में भी रोस्ट कर सकते हो, लेकिन इतना स्वाद नहीं आएगा। तो मैंने एक मीडियम साइज का बैगन लिया, मेरे को थोड़ा चाहिए। आप अगर आप बड़ा बैगन चाहते हो तो ले सकते हो। पहले इसको खरीद के फिर इसको धो लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसको धोना नहीं संभव हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद एक चाकू या कुछ भी आप जो यूज करते हो उसके सहायता से इसके अंदर को थोड़ा काट दीजिए। इसका पर्पस है, एक तो ये बैगन का जो बीज होता है कभी कभार फूट जाता है, और इसके अंदर कीड़ा भी होता है, ठीक है? तो इसके अंदर भी हो सकता है, जब इसको आप साफ मतलब ओपन करोगे, हाँ, तैयार करने के लिए डिश, तब आप खोलने का समय थोड़ा देख लेना, मैं दिखा दूंगी, लेकिन इतना करना जरूरी है। इसमें साफ, मेरा तो बैगन साफ है, और ये जो डिश है आप सर्दी के मौसम में ही बनाना, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये बहुत बढ़िया आता है, सस्ता आता है, बिना बीज का आता है, तो खाने में बहुत स्वाद लगता है, ठीक है? हम लोग बंगाली है, यही हम लोग ज्यादा खाते हैं, बैगन भर था, उसमें मसाला ज्यादा होता है, इसलिए हम कम कम खाते हैं। और ये डिश आप स्टीम राइस के साथ बहुत बढ़िया लगता है, और जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। एक कटोरी आप चम्मच के सहारे ऐसे कम नमक दे के खा सकते हो, आप रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत सिंपल, मैं दिखाऊंगी। अभी मैं इसको गैस के चूल्हे में इसको रोस्ट करने के लिए बिठाऊंगी। इसको रोस्ट करने के लिए गैस के चूल्हा में बिठा रही हूँ, थोड़ा सा गैस कम कर रही हूँ। अच्छी तरह से ये जब भून जाएगा या रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको पलट देना है। आप लोगों को सबको ही पता है, बोलने का जरूरत नहीं है, बैगन भरता तो आप लोग बनाते ही हो। तो ये एक साइड हो जाए, फिर मैं दिखाऊंगी। मेरा ये बैगन ये एक तरफ हो गया, मैंने इसको पलट दिया। अभी 3-4 मिनट में ये जल जाएगा, मतलब ये भून जाएगा, उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरा भून गया, अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ। बैगन थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंड हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसका छिलका निकाल दूंगी। तो इसको इसके साथ ये धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और प्याज, जो लोग कच्चा प्याज नहीं खाते, धनिया पत्ती और हरी मिर्ची से भी ले सकते हो आप। और इसमें सरसों का तेल जरूर डालना पड़ेगा। मैं इसको अभी इसका जो स्टेम है थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ, आप चाहे तो दे भी सकते हो, क्योंकि स्टेम में ही मैंने सुना है खुशबू होता है, तो बहुत कम। लेकिन आप बड़ा बैगन करोगे तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा देना। किसी किसी को धनिया पत्ती पसंद नहीं है, जैसे पर्सनली मुझे धनिया पत्ती पसंद नहीं है, लेकिन घर में सबको पसंद है, इसके लिए मैं धनिया पत्ती देती हूँ, ठीक है? प्याज भी आपके ऊपर निर्भर है, बिना प्याज के भी आप खा सकते हो। और मेरा बैगन थोड़ा छोटा ही है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही प्याज दूंगी। और जो लोग डाइटिंग कर रहे हो, भूख लगा है उन लोग, जब खाओगे ज़्यादा प्याज के साथ खाना, क्योंकि प्याज पचने में समय लगता है, भूख भी कम लगेगा, ठीक है? और हरी मिर्ची भी ऑप्शनल है, किसी को हरी मिर्ची पसंद नहीं है मत दो, लेकिन नमक, सरसों का तेल और थोड़ा सा प्याज, ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसको आधा ही दे दूंगी। अब देखिए छोटा छोटा काटिए, आपको सारा पता ही है, वो आपको आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना प्याज दोगे। मैं थोड़ा सा ही प्याज दूंगी। ये बैगन का छिलका निकालना है, सबको पता है, फिर भी जो ब्रदर सिस्टर्स है बिल्कुल नए हैं, हम लोग भी ऐसे नए थे तब हमें मालूम नहीं था, तो उनके लिए दिखा रही हूँ, इसका दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारा मैं इसका छिलका निकाल लूँगी, फिर हाथ में थोड़ा सा पानी लेके इसका जो काला काला है वो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब ये छिलका सारा निकाल लेना। देखिए बैगन साफ कर लिया, जो लोग जानते हैं उन लोगों को दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर कीड़ा होगा तो आप देख पाओगे, अंदर कीड़ा होगा ना, अब ऐसे खोल खोल के देख लेना, ठीक है?
इसलिए मैं बाहर बैंगन का भरता नहीं खाती हूँ कि मुझे डर लगता है, पता नहीं कीड़े के साथ डाल दिया होगा, साफ नहीं किया। तो आप ऐसे ऐसे जब ठंडा हो जाए तब ऐसे ऐसे देख लेना, देखिए इस बैंगन में बिल्कुल कीड़ा नहीं है। इसको जितना मेरे पास क्वांटिटी है उसके लिए नमक काफ़ी है, ठीक है, थोड़ा सा बचा रहेगा, पता नहीं ज़्यादा ना हो जाए, और सरसों का तेल, ठीक है। उसके बाद कच्चा प्याज, जो डाइटिंग कर रहे हो बहुत भूख लगता है, इसके साथ सिर्फ डाइटिंग जो कर रहे हो उसके लिए बोल रही हूँ, ऐसे चावल के साथ या रोटी के साथ नहीं, जो सिर्फ डाइटिंग कर रहे हैं इसके साथ थोड़ा खीरा छोटा छोटा करके दे दो, छोटा छोटा टमाटर दे दो, उसमें भी बढ़िया बनेगा। और इसको तोड़ के ऐसा दीजिए, ऐसे ऐसे करिए, थोड़ा टेस्ट भी कर लीजिएगा, नमक कम ज़्यादा हो तो इसमें समस्या नहीं, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस रोस्टेड बैंगन मेरा तैयार है, आप स्टीम राइस के साथ, रोटी के साथ या खाली भी खा सकते हो। और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे मैं और वीडियो दे पाऊंगी फिर।